जो कि मैंने अपनी तरफ से निकाला हुआ है। अब उस दिन जो वर्कशॉप हुई है ये क्या खास मैसेज देंगे आप अपने इलाके में जाकर इसको लेकर? यही मैसेज देंगे कि शेर जो है हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन नहीं है। इससे कई फायदे हैं जैसा कि हमको कार्यशाला में बताया गया है। अभी तक हमको ये जानकारियाँ नहीं थी और विभाग की तरफ से अभी जो मध्यान्ह है, मध्यान्ह के बाद कार्यशाला भी शुरू होगी, और भी जानकारियाँ दी जाएंगी। हमको ये बताया गया कि ग्रासलैंड जो है वो ख़त्म हो गए, उसकी वजह से गन्ने में शेर आ रहा है। किसान की चूँकि गन्ना आर्थिक फसल है, इसलिए किसान को उसको काटने के लिए दिक्कत होती है और वो जब उसमें जाता है तो नुकसान होता है। जब एक किसान को खाता है शेर, फिर दूसरे को खाता है, फिर तीसरे को खाता है, तो फिर एक जनाक्रोश बन जाता है। और जब जनाक्रोश बन जाता है तो पब्लिक इकट्ठा, वो वाइल्ड लाइफ को सूचना दी जाती है, वन विभाग को। हमारे यहाँ सरकारी विभाग इतने सुस्त चलते हैं कि एक मेरे यहाँ बगल में हुआ था, ट्रैंकुलाइज गन नहीं विभाग के पास, तो छोटा सा आइटम एक ट्रैंकुलाइज गन का अरेंज नहीं कर पा रही विभाग, आगे क्या करेगा। तो उसके बाद में वो ट्रैंकुलाइज गन ला गया जी, वो किया, अब 6 महीने तक एक शेर को पकड़ नहीं सके। भाई आप उसको पकड़ के आप जंगल में छोड़ो या चिड़ियाघर ले जाओ, कुछ भी करो, 6 महीने तक वो इधर से उधर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिए में चक्कर काट रहा है और वो 6 महीने तक कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद में जब पब्लिक ने उसको मार दिया, घायल कर दिया, तो उन लोगों पे विभाग ने मुकदमे ला दिए कि जी आपने शेर का नुकसान किया है। टाइगर बचाएंगे कि नहीं? टाइगर बचाएंगे बिल्कुल। तो उसके लिए अब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे मुख्य वन जीव जो संरक्षक थे, तो मेरा सुझाव है कि डिवाइस जो है हर शेर के गले में बांधी जाए और उसको सर्विलांस से जोड़ दिया जाए सिस्टम से, जबकि वो शेर हमारे गन्ने में आए तो या तो वाइल्ड लाइफ को सूचना हो या किसी गांव के प्रधान का मोबाइल उससे कनेक्ट किया जाए ताकि हमको सूचना हो जाए। हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अपनी हिफाजत से जाएंगे। सुखदेव सिंह निघासन से। ठीक सर।